नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एयरपोर्ट में आ चुकी है नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट नई और सीधी भर्ती के बारे में, जो कि साल 2023 की नई भर्ती है। दोस्तों एयरपोर्ट में जो भर्ती निकाली गई है, केवल पासपोर्ट चेक करने के लिए भर्ती निकाली गई है। तो यहां पर नए पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं दोस्तों, तो आप सभी अभ्यर्थी जो हैं आवेदन करने योग्य हैं, आवेदन जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं और स्नातक पास सभी के लिए भर्ती निकाली गई है एयरपोर्ट के अंदर। अगर आप भी एयरपोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कैसे आपको मिलेगी एयरपोर्ट में ये भर्ती। ठीक है, तो आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें दोस्तों, में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार नई जॉब की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक नई भर्ती की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एयरपोर्ट सीधी भर्ती 2023 के बारे में, जिसका नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों सैलरी की बात की जाए तो लगभग 50,000 रुपए महीना आपको सैलरी भी मिल रही है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। ऑल इंडिया की भर्ती है, किसी भी राज्य या जिले में मतलब किसी भी सिटी में आप रहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल, लड़के लड़कियां, महिला पुरुष सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं और आपका एग्जाम भी नहीं होगा, सीधी भर्ती के माध्यम से आपको यह नौकरी मिलने वाली है। तो चलिए अन्य सभी जानकारी के लिए सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है sarkaritodaynews.com। यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्ती की जानकारी दी जाती है। तो आज ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, भर्तियों की जानकारी लें और अप्लाई करें। आप चाहे तो दोस्तों इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एयरपोर्ट की तरफ से निकाला गया है और यहाँ पर ये एड्रेस भी दे रखा है, इसी एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। तो चलिए आपको बाकी सभी जानकारी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देते हैं। दोस्तों एयरपोर्ट में ये जो भर्ती निकाली गई है एयर इंडिया की तरफ से निकाली गई है अलग अलग पदों पर। यहाँ पर जो पद है हैंडीमैन के पद है और यूटिलिटी एजेंट के पद है। ठीक है, अलग अलग पद पे नोटिफिकेशन है, कुल मिला के लगभग 1000 पद पे नोटिफिकेशन है। अप्लाई करने का प्रोसेस सिर्फ ऑफलाइन रहेगा, बाई पोस्ट ही आपको अप्लाई करना होगा। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। चयन प्रक्रिया जो है फिजिकल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से रहेगी। सैलरी 17,500 से 32,000 रुपए महीना कम से कम आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा काफी सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। उम्र सीमा जो है 18 से 33 साल है और आई सीमा में छूट है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी के लिए फ्री है और पेमेंट सिर्फ आपको डिमांड ड्राफ्ट डीडी के द्वारा करना है। क्वालिफिकेशन में कक्षा 10वीं पास के लिए भर्ती है, तो 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और आवेदन 30 अगस्त से 18 सितंबर तक चलेंगे। तो ये रहा लिंक अप्लाई करने का, आज ही अप्लाई कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी सूचना आ जाएगी। यहां पर आपको भर्ती की संपूर्ण जानकारी दे रखी है, कौन कौन से पद है, योग्यता क्या है, वेतन कितना मिलेगा, उम्र सीमा क्या है, सारी जानकारी आप लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया, जिसको आज ही भर करके डाउनलोड करके सबमिट कीजिएगा। ठीक है, कोई भी सवाल है तो कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।